गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने कुछ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, जैसे कि टाइप्स ऑफ चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे आज। हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। अगर केमिकल रिएक्शंस की बात की जाए तो 4 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती है बेटा? 4 टाइप। अब बैक टू बैक हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है? जैसे कंबाइन सुना है आपने, ठीक है, कंबाइन से बना है कॉम्बिनेशन, ठीक है। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक चीजें एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का भी कुछ ऐसा ही है। इसका क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और या वन और मोर सब्सटेंस, कह सकते हो टू और मोर सब्सटेंसेस कह सकते हो, अगर एक दूसरे के साथ फॉर्म मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, क्या बनाए? जब टू और मोर रिएक्टेंट मिल करके और एक कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, वो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल लेना चाहो तो एग्जांपल ले सकते हो। मान लो हमने कार्बन लिया, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है, क्या लिया? ऑक्सीजन। कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया तो क्या मिला? ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, हमने आपको सिंबल करवाए थे बेटा, सी किसका है? कार्बन का। ओ किसका है? ऑक्सीजन का। तो सीओ टू क्या बन गया? सीओ कार्बन और जब ऑक्सीजन को मिक्स किया हमने, एक दूसरे के अंदर मिलाया, कंबाइन किया, तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बनकर आया, ठीक है। ये तो हो गया कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की एक बार डेफिनेशन दोबारा बता देता हूँ। द प्रोसेस इन विच द रिएक्शन इन विच द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के बाद आती है डिकम्पोजिशन। क्या आती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे नाम से पता है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब डिकम्पोज हो जाना, घुल जाना, उसके अंदर मिक्स हो जाना, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस डिकम्पोज इन या ब्रेक डाउन, यानी एक सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन हो जाए, क्या हो जाए? ब्रेक डाउन हो जाए, और टू और मोर सब्सटेंसेज में, यानी एक सब्सटेंस डिकम्पोज होकर के टू और मोर सब्सटेंसेज में टूट जाए, तो वो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इन टू और मोर सब्सटेंसेस। सबसे देखो, पहले कॉम्बिनेशन में क्या था? मिल जाती है एक दूसरे के अंदर, मिल करके बनाता है, और डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है? एक सब्सटेंस टूटकर क्या बन जाता है? टू और मोर सब्सटेंस उसमें मिल जाते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, 2NaCO3, ये क्या होता है? सोडियम, क्या हो गया? Na किसका सिंबल है? सोडियम का, ठीक है। तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसको क्या करेंगे? इसमें देखो, इसके हमने जब इसको क्या किया, जब हमने इसको हीट किया, क्या किया? हीट किया। इसको हम क्या बोलते हैं? वैसे इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा। तो इसको हमने जब हीट किया, क्या किया? हीट, तो हमें क्या मिला? इसमें हम अगर जब इसको हीट करते हैं तो एक तो वाटर निकलेगा, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट निकलेगा। क्या निकलेगा? सोडियम कार्बोनेट। इसमें एक तो वाटर निकलेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये इसके अंदर क्या होगा? रिलीज होगा। इससे क्या होगा? रिलीज होगा। जब क्या किया हमने? जब बेकिंग सोडा को हीट किया तो हमें क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट मिला, प्लस में वाटर मिला, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। तो इसमें क्या हुआ? यानी ये सिंगल था ना,
देखो सिंगल रिएक्टेंट था, टूट करके किसमें, एक दो तीन, तीन चीजों में बट गया, दो या दो से अधिक। और इसमें क्या हुआ था, देखो इसमें दो रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट क्या मिला, सिंगल, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। क्या ये, यानी ये तो इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में तो क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल जो हमारा सब्सटेंस था वो टूट करके दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में या टूट जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपलर सब्सटेंस में टूट करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू टाइप की रिएक्शन पढ़ ली हमने, थर्ड आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये थर्ड टाइप की है बेटा, ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, अब हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को की जगह ले लेता है, और जो लेस रिएक्टिव है उसको मोर रिएक्टिव की जगह मिल जाती है, ठीक है। तो इसको हम अगर डेफिनेशन के तौर पे करने चाहिए तो द केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, यानी उसकी जगह खुद ले ले और खुद उसकी जगह पर चला जाए। इसका एक एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट बोलेंगे इसको, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को हमने क्या किया, जब कॉपर के साथ इसको रिएक्ट करवाया, किसके साथ, Cu, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर, सिंबल बेटा याद करवाएं, उसका मतलब उसमें Ag का नहीं होगा शायद, सिल्वर का नहीं है ना, ये Ag का मतलब सिल्वर होता है, ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे, Ag का मतलब सिल्वर होता है, ये लिख भी सकते हो आप, कॉपर का उसमें आया होगा, ठीक है। तो जब क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है, ये डिस्प्लेस कर देगा, क्या कर देगा, किसको, सिल्वर को, किसको डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर, क्योंकि क्या है, कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव है, क्या है, क्या है बेटा, मोर रिएक्टिव है, क्या है, कौन सा, कॉपर, कॉपर मोर रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से, ये बात याद रखना, कॉपर मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, इसलिए क्या करेगा, इसकी जगह तो सिल्वर की जगह क्या कौन ले लेगा, कॉपर ले लेगा, और प्लस में सिल्वर अलग निकल जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट, ठीक है ना, समझ में आया बेटा, क्या हो गया, ये कॉपर नाइट्रेट बन गया अभी, क्योंकि इसने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट की जगह, यानी यहां पे ये जगह थी ना, ये इसने यहां जो ये था, इसने इसको यहां पर चला गया और ये वाला यहां चला गया, हो गया ना, देखो ये यहां पे, तो इसमें क्या हो गया कि जो सिल्वर नाइट्रेट था उसको कॉपर ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, डिस्प्लेस का मतलब उसकी जगह उसने चेंज कर दी, तो ये क्या हो गया, यानी कॉपर सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया और क्या बन गया, वो कॉपर नाइट्रेट। इस प्रकार की रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है, थ्री टाइप की होगी, लास्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या आता है, देखो अभी तो हमने पढ़ा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, किसके बारे में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है ना, यानी इसमें क्या होता है, इसमें पढ़ा था कि एक लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच, ठीक है, इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स, यानी दो या दो से अधिक का कंपाउंड्स का जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है और एक्सचेंज कर देता है एक दूसरे को, क्या कर देता है, एक्सचेंज कर देता है रेडिकल्स को, इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी जब इसमें तो सिंगल को डिस्प्लेस किया था, ये दोनों सॉल्यूशन लेना पड़ता है बोथ का, किसका लेना पड़ता है, बोथ दोनों का, ठीक है। अब बात करते हैं हम बेरियम क्लोराइड की, किसकी बात करेंगे, बेरियम
प्लस में बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसके हम इसके साथ क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जिसको हम बोलेंगे Na2SO4। जब इसके साथ इसको रिएक्ट करवाया जाता है, किसको, बेरियम क्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट करवाया हमने, नाम लिख लेंगे बेरियम क्लोराइड, इसको हमने रिएक्ट करवाया सोडियम सल्फेट के साथ, किसके साथ करवाया, सोडियम सल्फेट। अब इसे हमने क्या कहा था कि रेडिकल्स अपनी पोजीशन को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। अब इसमें चेंज करने का मतलब क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, यानी ये तो चला जाएगा यहां और ये चला जाएगा यहां, ठीक है। अब क्या बनेगा, सबसे पहला हमारा क्या बनेगा, अब बेरियम सल्फेट बन जाए, बेरियम बेरियम क्लोराइड था ना वो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, तो इसका हो जाएगा BaSO4, क्या बन जाएगा, Ba का मतलब बेरियम और SO4 का मतलब तो सल्फेट, क्या होता है, यानी ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट प्लस। अब सोडियम क्या बन जाएगा, सोडियम क्या बन जाएगा, क्लोराइड, तो ये बन जाएगा 2NaCl, क्या बन जाएगा, 2NaCl, 2NaCl कैसे बन गया, अब बेरियम सल्फेट है ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, क्या है, प्रेसिपिटेट, तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट का सिंबल क्या होगा, नीचे पढ़ा था ना, गैस होगा तो एरो ऊपर की तरफ, अगर प्रेसिपिटेट है तो एरो नीचे की तरफ, प्रेसिपिटेट मिले हमें बेरियम सल्फेट के प्लस 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या होता है बताएगा कोई, NaCl किसका फॉर्मूला है, बताया था मैंने एक दिन आपको, NaCl क्या होता है याद है किसी को, NaCl होता है साधारण नमक, ठीक है, इसको इसका अगर साइंटिफिक नेम पढ़े तो सोडियम क्लोराइड, क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना बेटा। तो चार टाइप की हमने रिएक्शंस पढ़ी, पहली कौन सी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज और फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया किसी को, सभी को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो हमने कुछ, ये तो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा, अब कुछ हम केमिकल चेंजेस के एग्जांपल पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे, केमिकल चेंजेस के एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सप्लोजिव होते हैं, एक्सप्लोजन धमाका होता है, ठीक है, क्या होता है, फायर क्रैकर्स देखे आपने, पटाखे जिनको बोलते हैं, फायर क्रैकर्स क्या करते हैं, फायर क्रैकर्स में क्या होता है, जब रिएक्शन होती है तो तेजी से होती है, आपने देखा होगा लाइट भी निकलती है उसके अंदर से, आवाज़ भी आती है, ठीक है, साउंड भी क्रिएट करती है वो, ठीक है, साउंड हीट लाइट तीनों क्रिएट करता है, ठीक है, फायर क्रैकर का एग्जांपल ले सकते हो। ऐसा क्यों होता है, देखो जो रिएक्शन, जब रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है तो एक्सप्लोजन होता है एकदम, यानी कई काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे, काफ़ी जो सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको हम क्या करते हैं, जैसे गंधक पटाख देखा होगा आपने, गंधक आती जो बजाते हैं बच्चे ज़्यादातर, या क्रैकर्स की, फायर क्रैकर्स की बात करें, या आपने बहुत सारे चेंजेस, एक नॉर्मल सा चेंजेस देखा होगा, एप्पल देखा होगा, एप्पल देखा है सभी ने, एप्पल को हम काट देते हैं बेटा, काटने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम अगर एप्पल को हम छोड़ दें खुले में तो क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और देखो फायर क्रैकर की जैसे हमने बात की, तो फायर क्रैकर के अंदर से जो धुआं निकलता है, ठीक है, वो क्या है, हार्मफुल है हमारे लिए, पोल्यूशन करता है ना, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्यों, क्योंकि कुछ में क्या हो जाता है, जो ब्रस्ट, जब वो फायर क्रैकर जला, बर्निंग हुआ, तब कुछ ना कुछ अनबर्नड पार्टिकल रह जाते हैं, यानी काफ़ी चीज़ तो जल जाती हैं लेकिन कुछ पार्टिकल अनबर्नड रह जाते हैं, वो आँखों में हमारे, अगर सांस के माध्यम से शरीर में चले जाए तो हमारे लिए क्या है, डेंजरस है, हार्मफुल है।
अब आयरन का ऐसा क्यों हो जाता है, जो एप्पल की बात हमने की, एप्पल का कलर चेंज क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि जब एप्पल है, ठीक है, एप्पल के जो ब्राउन कलर हो जाता है वो हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, जब वो एयर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो जो कलर है उसका वो चेंज हो जाता है, किसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक नया सब्सटेंस है, जो जब एप्पल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक नया सब्सटेंस बना देता है। जैसे पोटैटो की एग्जांपल ले लो, पोटैटो क्या करते हो, पोटैटो को अगर आपने काट करके रख दिया तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो जाएगा पोटैटो का ओपनली, ठीक है। बैंगन है, बैंगन को हमने काट के रख दिया तो उसका भी कलर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चेंज हो जाता है, काटते हैं तब नहीं होता, उसके काटने के बाद आपने देखा उसका कलर चेंज हो गया। तो ये सब क्या है, केमिकली चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, केमिकल चेंज हो रहा है उसके बीच में। अब बात करते हैं, हम खाना खाते हैं, फूड सभी खाते हैं, हमने सारी चीज़ें खाई, आपने दूध भी पिया, आपने रोटी चपाती भी खाई, दाल भी खाई, सब्जी भी खाई, फ्रूट्स भी खाए, चीज़ें सारी खाई हमारी, यानी जाने के लिए हमारा जो फूड पाइप है एक ही है ना अंदर जाने के लिए, लेकिन अंदर जा करके अपन अलग अलग फंक्शनिंग कर देता है, डाइजेशन, सबसे पहले हम खाते हैं, हमारे जो लार में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवा में अमाइलेज, जिसको टोल्यून भी बोलते हैं, ठीक है, अमाइलेज होता है। हम तो जैसे हमने खाना खाया हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, एंजाइम्स, वो फूड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होकर के वो क्या कर देते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, फूड डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से होकर निकलता है, ठीक है, जिसकी मदद से वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड का एग्जांपल ले सकते हो, पौधे को देखा है उगते हुए, जैसे मान लो हम चने वगैरह को रात को भिगो के छोड़ दे तो देखेंगे स्प्राउट निकलाते हैं, स्प्राउटेड हो जाते हैं, है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का एक धागा सा निकलाता है, धागे जैसा, थ्रेड लाइक होता है, धागे जैसा दिखता है, तो वो क्या है, एक प्रकार का केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है, जैसे उसको जो जो फेवरेबल कंडीशन दी हमने, पानी दे दिया उसको, हीट भी मिल रही उसको, तो धीरे धीरे क्या होगा, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। जर्मिनेशन ऑफ सीड भी क्या है, एक प्रकार का केमिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या है, अब सीधी सी बात है, केमिकल चेंज का हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, सबसे पहला वन और मोर सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, केमिकल चेंज में कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनकर आता ही आता है, ठीक है। केमिकल चेंज की बात की थी, केमिकल चेंज में क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ जो चेंज है वो परमानेंट है, फिजिकल चेंज हमने पढ़ा था रिवर्सिबल है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है, क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है, लेकिन इसको चेंज रिवर्स्ड करना चाहो तो फिजिकल मेथड से रिवर्स्ड नहीं होगा। अब केमिकल चेंज जैसे हमने पढ़ाया बताया था कि केमिकल चेंज में हीट भी निकलती है, साउंड भी निकलती है, ठीक है, लाइट भी निकलती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है, एनर्जी टेक्स प्लेस हो रही है, इस प्रकार लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, साउंड भी निकलती है, कुछ जो पार्टिकल्स वो बर्न भी करते हैं, फ्यूल का एग्जांपल ले सकते हो, कुछ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने पढ़ा है, जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो भी इसी माध्यम से, ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, तो ये सब चेंज है, वो सोलर एनर्जी ले रहा है, सोलर एनर्जी मतलब सन से सनलाइट ले रहा है ना, वो सन की लाइट ले रहा है, किस क्या है वो सोलर एनर्जी को ले रहा है, वो लाइट अकेले से नहीं, सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इनको डिफरेंस इनके बीच में कैसे कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई नया सब्सटेंस बनता है, नो, केमिकल चेंज में बनता है, एक चेंज हो गया। सेकेंड चेंज क्या करेंगे, जो फिजिकल चेंज है वो क्या है, टेम्परेरी है, क्या है, टेम्परेरी चेंज है, लेकिन केमिकल चेंज क्या है, परमानेंट, अभी पढ़ा है परमानेंट चेंज है। नेक्स्ट रहेगा इसमें क्या होती है, इसको इजीली रिवर्सिबल कर सकते हो, किसके, फिजिकल मेथड से, किससे, फिजिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, किसको, फिजिकल चेंज को, लेकिन केमिकल चेंज क्या है, परमानेंट चेंज है, तो रिवर्सिबल है, नहीं है, इरिवर्सिबल है। इसमें क्या हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज में क्या हो जाती है, फिजिकल भी चेंज हो जाती हैं और केमिकल भी, दोनों चेंज होती हैं। फिर बात करते हैं इसमें ओवरऑल चेंजेस क्या है,
कोई किसी प्रकार का चेंज होता है फिजिकल चेंज में, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, होती है कोई एनर्जी रिलीज नहीं, लेकिन केमिकल चेंज में एनर्जी रिलीज भी हो सकती है या एनर्जी अब्जॉर्ब भी कर सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग यानी लोहे को जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है, लोहे को जंग कैसे लगता है, लोहे को जंग कैसे लगता है बेटा, आप जैसे हमने बताया था लोहे को जंग लगने का मेन कारण क्या है कि जैसे उसको हवा में मॉइस्चर मिल जाता है उसके ऊपर क्या हो जाती है एक ग्रीन कलर की जो परत आ जाती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने के बाद हो जाती है। ठीक है, मान लो अगर हम इसको बात करें कि सबसे पहले प्रेजेंस किसकी कंडीशन क्या चाहिए हमें, सबसे पहले हमने बात की ऑक्सीजन होनी चाहिए जहाँ पर भी आयरन रखा हुआ है, अगर रस्टिंग ऑफ आयरन आपको प्रैक्टिकली करके देखना है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और कह सकते हो एयर। नंबर दो, इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होना चाहिए, वाटर की प्रेजेंस ही बने, तो प्रेजेंस ऑफ वाटर भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है उसके ऊपर आयरन के ऑक्साइड्स आ जाते हैं, क्या जाते हैं आयरन के ऑक्साइड। अगर इसको हम लिखना चाहें यानी आयरन, क्या लिया, आयरन लिया, आयरन को जब हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, हमने बताया था ना सबसे पहले क्या आएगा ऑक्सीजन प्लस में वाटर H2O। ठीक है, इसको 2H2O लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, वो ज़रूरी नहीं है कि किसकी, मान लो हम वाटर हमें चाहिए वो एक्वस फॉर्म में होना चाहिए यानी हवा में होना चाहिए, नमी हो तो भी हो सकता है, इससे ज़रूरी नहीं है कि पानी की प्रेजेंस होना है ज़्यादा ज़रूरी। अब इसमें देखो जब ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और नॉर्मली तो क्या निकलता है, आयरन निकलेगा, आयरन के ऑक्साइड्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन बन जाएंगे, प्लस में ये इसके साथ ही रहेगा लगा लो, चाहे इसको प्लस में लिख लो या इसको ऐसे लिखोगे ना तो भी चलेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ ही रहेगा ना, तो इसमें क्या हो, आयरन के ऑक्साइड्स ऑफ आयरन बन गए, क्या बन गए, किस कैसे बने ये, कि आयरन ऑक्साइड्स क्या कैसे बने, ये बने हाइड्रेटेड, क्या बने, हाइड्रेटेड का मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन पढ़ा था, डिहाइड्रेशन पानी की कमी, हाइड्रेटेड मतलब पानी इसके अंदर मॉइस्चर इसके अंदर मौजूद है, और इसका कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन। जंग का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है, तो इसका कलर है ये, तो ये क्या बन गया, इस प्रकार क्या हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है। अब रस्टिंग क्या करता है, नुकसान क्या है रस्टिंग का, आयरन को क्या नुकसान पहुंचाता है, क्या कर देता है इसको, डैमेज किसको, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है आयरन का उसको क्या कर देता है, ये डैमेज कर देता है, डैमेज करने का मतलब है क्षय कर देना उसका। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है उसके ऊपर एक लेयर बना देती है धीरे धीरे, और वो सरफेस को धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देती है, क्या कर देती है, धीरे धीरे खाना, खाने का मतलब ये नहीं कि उसको बाइट करके खाना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि जो आयरन का जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है वो धीरे धीरे उसकी जो ताकत है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लोहे का मान लो आप कुल्हाड़ी लगा लो, एक एग्जाम्पल कुल्हाड़ी का एग्जाम्पल ले लो, कुल्हाड़ी को अगर जंग लगने लग गया तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, भुरनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ब्रिटलनेस हो जाएगी उसमें, मतलब जब उस जो उसमें हार्डनेस होनी चाहिए वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, इसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन आयरन के आपने देखा होगा ज़्यादातर चीज़ें हमारे यूज़ में हम लेते हैं, क्योंकि आयरन मेटल क्या है, बाकी मेटल से
सस्ता है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। जनरली हम यूज करते हैं बहुत सारी हमारे इंस्ट्रूमेंट घरों में, खिड़की दरवाजे बनाने के लिए लगा लो, गाड़ियों में लगा लो, ठीक है, चेयर मेज कुर्सी वगैरह, या और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे बने जो आयरन के बने होते हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया, अब कैसे हम इसको रोक सकते हैं रस्टिंग से। रस्टिंग से रोकने के लिए हमें मेथड करते हैं, आपने देखा होगा अगर हम रस्टिंग को रोकने के लिए क्या करते हैं, जैसे पेंट किया जाता है, लोहे के इंस्ट्रूमेंट है सबसे पहला आता है उनको पेंट करके क्या करते हैं, पेंट करके उसको मॉइस्चर, पेंट क्या करता है, हवा नमी को लोहे तक पहुंचने नहीं देगा और वो लंबे समय तक चलता रहेगा। तो एक तो ये हो गया, नंबर दो आ गया कोटिंग ऑफ अदर मेटल की, जैसे आपने घरों में गोदरेज की अलमारी देखी होगी सभी के, गोदरेज वाली जो अलमारी आती हैं, ठीक है, गोदरेज की जो अलमारी आती हैं उनमें देखा होगा आपने, कभी पुरानी कोई देखा हो तो उसके ऊपर से पपड़ी सी उतर जाती है, वाइट जो ग्रे कलर का जो उसके ऊपर पेंट कर रखा है, कोट कर रखा है, या जिस मेटल को उसके ऊपर चढ़ा रखा है वो जिंक होता है, जिंक की कोटिंग की हुई है उसके ऊपर, वो क्या हो जाता है धीरे धीरे उतरना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या यानी दूसरे मेटल की इसके ऊपर लेयर है डिपॉजिटिंग करके, ठीक है, ये भी होगा, या फिर ग्रीस ऑयल लगा करके, ऑयल लगाने से भी क्या होता है पानी उस तक नहीं पहुंच पाता और वो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो लंबे समय तक रहता है। तो ये दो तीन मेथड हमने बताए, सबसे पहला ऑयल ग्रीस लगा करके या फिर अदर मेटल की कोटिंग करके, नेक्स्ट आएगा हमने उसके ऊपर क्या किया, या उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स कर दी, क्या कर दी इम्प्योरिटीज, जैसे गोल्ड में करते हैं ना, गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है बेटा, ठीक है, लेकिन हम उसके अंदर गोल्ड के 24 कैरेट के कभी आपने देखा हो जो कहने बने होते हैं, ऑर्नामेंट्स बने होते हैं, वो कभी 24 कैरेट के नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट होता है, अगर उसको आप ऐसे तोड़ना चाहो तो टूट जाएगा, इसलिए उसमें 2% इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं। आपको जो ज्वेलरी मिलती है, गहने मिलते हैं, वो 22 कैरेट्स के मिलते हैं, ठीक है, 22 तोला, 24 तोला हम बोलते तो 24 तोला सोना है लेकिन होता 22 तोला ही हो, 22 तोला सोना क्यों होता है, क्योंकि 2% उसमें इम्प्योरिटीज मिला देती है ताकि उसको थोड़ी सी हार्डनेस मिले, क्या मिले, हार्डनेस। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन, क्या आता है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि क्रिस्टल्स एक प्रकार के लगा लो, जब कोई सब्सटेंस है प्योरेस्ट सॉलिड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन हो क्या होगा, प्योरेस्ट सॉलिड क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्योर सॉलिड कोई फॉर्म है, ठीक है, उसका क्या करना, प्योर फॉर्म में निकालना, प्योर फॉर्म में कोई सॉलिड है, प्योरेस्ट ऑफ सब्सटेंस को बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल में अगर बोलना चाहो तो इसकी ज्योमेट्रिकल शेप में क्रिस्टल्स बोलते हैं उनको, हमने बताया था ना क्रिस्टल्स किसी भी चीज़ के प्योरेस्ट फॉर्म को क्रिस्टल बोलेंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है, इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी सॉलिड से प्योर, मतलब किसी भी मेटल से प्योर सॉलिड को ऑब्टेन करना क्या कहलाता है, यानी उसकी एक्चुअल जो शेप है उसमें निकालना क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन अगर क्रिस्टलाइजेशन की बात की जाए तो इसमें एक आपके बुक्स में बेटा एक एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, एक्टिविटी नंबर 6.15, ठीक है, उसको 6.15 है जो फिगर दे रखा है, वो एक्टिविटी आप पढ़ेंगे तो आपको क्रिस्टलाइजेशन यानी किसी सब्सटेंस के प्योर क्रिस्टल्स निकालना है या प्योर सॉलिड सब्सटेंस निकालना क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो इस प्रकार जो आपका ये चैप्टर है ये बेटा कंप्लीट होता है, अगर इससे रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।